सीधा कोर्ट ने ही उन्हें तलब कर दिया है। दरअसल लखनऊ के रहने वाले दीपक कुमार स्वर्णकार ने स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य समेत 5 लोगों के खिलाफ शिकायत की है। दीपक ने दावा किया है कि संघमित्रा से उनकी शादी हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि संघमित्रा ने उन्हें तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर ली है। देखिए, 2021 में हमने एक अर्जी दाखिल की थी माननीय न्यायालय कोर्ट लखनऊ में, जिसे संज्ञान में लेते हुए माननीय न्यायालय ने परिवाद के रूप में इसे दर्ज किया और कल माननीय न्यायालय ने इस पर अपना आदेश जारी किया। बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य पर गंभीर आरोप लगाने वाले शख्स का कहना है कि उसके साथ धोखाधड़ी, मारपीट करने और जान से मारने की कोशिश तक की गई। और तोड़ 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में उन्होंने खुद को अविवाहित बताया है। मेरे साथ काफी बार जो है लड़ाई झगड़े की नौबत आई है और कई बार हम पर जानलेवा हमला भी किया गया है और साक्ष्यों को छुपाने के लिए ये सब सारा काम किया गया है, क्योंकि वैवाहिक संबंधों का मामला था तो ये उजागर न हो इसलिए उन्होंने ऐसा। इस मामले की अगली सुनवाई कोर्ट ने अगले साल 6 जनवरी को तय की है। फिलहाल इन आरोपों पर न स्वामी प्रसाद मौर्य और न उनकी सांसद बेटी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सभी आरोप सही हैं या फिर किसी की सोची समझी साजिश, और ये अगर आरोप सच निकलते हैं तो इन दोनों ही नेताओं के लिए आगामी चुनाव में बड़ी मुसीबत समझो तय है।